गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल अपार आईडी के बारे में डिस्कस करेंगे। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी इनिशिएटिव है ये, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर इसको संज्ञान में लिया गया था, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सोलर इक्लिप्स देखेंगे कि सोलर इक्लिप्स कैसे हमारे अर्थ पर इफ़ेक्ट डालता है और किस तरह से इक्लिप्स का यूज़ होता है हमारे साइंटिस्ट के द्वारा बहुत सारी एक्टिविटी में। तो फ्रंट पेज के कुछ आर्टिकल देख लेते हैं। पहला आर्टिकल रिलेटेड है, पैनल होल्ड्स बैक इट्स रिपोर्ट ऑन क्राइम बिल्स। मतलब जो क्राइम बिल्स, हमारा जो 3 क्राइम बिल्स हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, इन सबको क्या किया गया है, हम जैसा कि जानते हैं इनका नाम चेंज कर दिया गया। हमने जैसे पहले पढ़ा है कि आईपीसी का नाम जो है बदल कर भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता, और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है, और इंडियन एविडेंस का नाम भारतीय साक्ष्य बिल कर दिया गया। तो इसमें क्या है, इस जो आपका स्ट्रक्चरल चेंज तो हुआ ही हुआ है, मतलब स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब है कि जो इसमें चेंजेस हुए हैं वो नाम में तो चेंजेस हुए ही हुए हैं, जो फ्रंटल चेंज दिख रहे हैं, मगर इसके अलावा इसमें और चीज़ें क्या हुई हैं, इसके अंदर जो नए क्राइम है, न्यू क्राइम्स को ऐड किया गया है, क्राइम का जो तरीका बदल गया है, जैसे साइबर क्राइम आ गया है, अदर जो तरीके बदल गए, मोबाइल से जो क्राइम होते तो उसको भी ऐड किया गया। तो अपोजिशन ने जो एकदम इसको अमेंडमेंट करके बिल को प्रस्तुत करने के अपोज किया है, तो इसलिए इसको मैक्सिमम टाइम क्या होता है, देखो मैक्सिमम टाइम बिल जो होता है वो इंट्रोड्यूस करने से पहले पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा जाता है। पार्लियामेंट्री कमेटी क्या करती है, स्क्रूटनी करती है, उस पर स्क्रूटनी करने के बाद क्या किया जाता है, उस पर बिल को दोबारा पार्लियामेंट में भेजा जाता है और पार्लियामेंट में उसे प्रस्तुत किया जाता है। तो इस तरह से ये बिल पास किए जाते हैं। मगर कभी कभी क्या होता है, अपोजिशन के जो व्यूज़ हैं या कोई भी पार्लियामेंट्री कमेटी के व्यूज़ हैं उसको दरकिनार करके बिल को पास कर दिया गया। तो यही बात बताई गई है इसमें कि किस तरह से आईपीसी का नाम चेंज हो जाएगा, सीआरपीसी का नाम चेंज हो जाएगा और उनमें होने वाले क्राइम का भी प्रोसीजर चेंज हो जाएगा। जैसे हमने पढ़ा नहीं था, सेडिशन एक्ट है, जो सेडिशन आईपीसी के अंदर है, वो सेडिशन कौन से सेक्शन में आता है, जो सेक्शन आता है 124A में आता। अब 124A को रिमूव करके उसको क्या किया गया है, अलग आर्टिकल, मतलब अलग सेक्शन दे दिया गया, मगर उसकी फॉर्म चेंज नहीं हुई है। आपका सेडिशन अभी भी बरकरार है, मगर क्या है, उसको तरीका चेंज कर दिया गया है कि सेडिशन लॉ किस तरह से कौन से सेक्शन में आएगा। अगला आर्टिकल रिलेटेड है फ्रंट पेज पर, साइबर क्राइम से रिलेटेड क्या होता है, देखिए जब हम लोग फ्लाइट का टिकट बुक करते हैं तो फ्लाइट का टिकट बुक करने के टाइम पर होता यह है कि फ्लाइट के टिकट बुक करने के बाद आपको ऑफर दिया जाता है कि आप विंडो सीट लेना चाहते हैं, तो विंडो सीट लेने के चक्कर में क्या होता है, लोगों से एक्स्ट्रा मनी वसूली जाती है। तो इस पर गवर्नमेंट संज्ञान लेना चाहती है और इसे एक साइबर क्राइम में डालना चाहती है। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि क्या इसको साइबर क्राइम में डाल देना चाहिए, जो मिसलीडिंग और मिस इन्फॉर्म किया जाता है लोगों को, जबकि पता है सीट बुक हो गई है तो हम क्यों दोबारा से इसके पैसे दें, ठीक है। तो इस चीज़ पर यहाँ पर गौर दिया गया है। तो पहला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल मैं आपको देख लेता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस का बताता हूँ। पहला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है अपार आईडी के बारे में। देखो अपार आईडी क्या है, पहले ये चीज़ देख लेते हैं। देखो अपार की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। देखो यहाँ दो वर्ड से पता चल रहा है, एकेडमिक अकाउंट। एकेडमिक अकाउंट क्या होता है, देखो जब हम चाइल्डहुड में एडमिशन लेते हैं, प्री प्राइमरी एज या प्री प्राइमरी क्लास में एडमिशन लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, जो हमारा डेटा होता है वो हार्ड फॉर्म में रहता है, मार्कशीट में रहता है, कॉलेजेस में रहता है, कभी गुम जाता है। तो इसमें सुधार करने के लिए क्या किया गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक ऑप्शन रखा गया अपार आईडी। अपार आईडी के अंदर क्या होगा कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी इनिशिएटिव है, ये वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी इनिशिएटिव है। इसमें क्या होगा कि
जो आपका एकेडमिक डेटा है कि आप 8th में पास हुए थे या फेल हुए थे, आपने स्कूल चेंज किया था नहीं किया था, आप किस तरह से 9th में आपका कितना क्रेडिट है, मतलब क्रेडिट का मतलब आपने कितना स्कोर प्राप्त किया, क्या आप 9th के बाद दो साल के लिए स्टे कर गए थे, तो इस तरह की इसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, चाइल्डहुड से लेकर आपकी हायर एजुकेशन तक का डेटा इसमें मौजूद रहेगा। इससे क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट को, देखो एजुकेशन क्या है, एक कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। एजुकेशन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद क्या किया गया था, एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में भेज दिया गया, और कॉन्करेंट लिस्ट में भेजने के बाद कहा गया कि इस पे सेंटर भी कानून बना सकती है और स्टेट भी कानून बना सकती है। आपको पता है कॉन्करेंट लिस्ट में ओवरऑल प्रिवेलिंग पावर जो होती है वो सेंटर के पास होती है, सेंटर का अगर लॉ आ गया तो स्टेट का लॉ नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो इस तरह से एजुकेशन के लिए मतलब एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुधार आ सकें, होमोजिनिटी आ सके ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखी कि कैसे वो ट्रैक कर सकते हैं बच्चों की प्राइमरी प्री प्राइमरी एजुकेशन से हायर एजुकेशन से। आप एक चीज़ यहाँ जान लीजिए, जब इसका रजिस्ट्रेशन होगा तो रजिस्ट्रेशन अभी वॉलेंट्री रखा गया है। ये कभी कभी UPSC ऐसे क्वेश्चन पूछती है, रजिस्ट्रेशन वॉलेंट्री है, मैंडेटरी नहीं रखा गया है, नॉट मैंडेटरी। ठीक है, नॉट मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं है। और अगर प्री प्राइमरी स्टेज में इसका रजिस्ट्रेशन करना है तो बच्चों के लिए उनके माँ बाप की कंसेंट की ज़रूरत होगी, और ये इसमें होगा। और एक और चीज़ आप देख लीजिए, देखो हमने डिजी लॉकर के बारे में देखा है। डिजी लॉकर क्या होता है, डिजी लॉकर के बारे में आपने सुना होगा, उसमें क्या करते हैं, आप अपनी मार्कशीट अपलोड कर देते हैं और वो मार्कशीट अपलोड की हुई वहाँ इंस्टीट्यूट से उसका वेरिफिकेशन किया जाता है, और वेरिफिकेशन करने के बाद डिजी लॉकर में कोई भी इंस्टीट्यूट आपकी मार्कशीट देख सकता है और वेरीफाई कर सकता है। इसका ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, आपके डॉक्यूमेंट गुम भी जाते हैं तो आप यहाँ डिजी लॉकर से ओरिजिनल कॉपी भी पा सकते हैं। मतलब आपको एप्लीकेशन और एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना पड़ेगी, मगर आपको डिजी लॉकर, तो ये एक गेटवे हो गया डिजी लॉकर का। मतलब आप यहाँ पर आईडी बनाइए, वही आईडी जो है डिजी लॉकर की तरह वर्क करेगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी अपार आईडी में। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी अपार आईडी कहाँ से आई। आपको पता होना चाहिए अपार आईडी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से आई है। ये अंडर है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के अंदर। एजुकेशन जो था मैंने आपको बताया स्टेट सब्जेक्ट था, इसे 42nd अमेंडमेंट के बाद इसे कॉन्करेंट लिस्ट में ले जाया गया और सेंटर इस पर लॉ बना सकती है। ठीक है, और डिजी लॉकर के लिए ये गेटवे हो जाएगा, और हमारी स्टेट गवर्नमेंट, इससे जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा वो स्टेट गवर्नमेंट आपकी एजुकेशन को ट्रैक कर सकती हैं, उसके लिए पॉलिसी कैसे बनाई जाए उस पर वर्क कर सकती हैं, ड्रॉप आउट कितना होगा, ड्रॉप आउट पे वर्क किया जा सकता है, क्यों ड्रॉप आउट हो रहा है इतने साल बाद, तो एक डिजिटल एनालिसिस किया जा सकता है डेटा का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह। तो हमने अपार आईटी के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं हम मनी विल के बारे में। रिसेंटली देखो अपोजिशन के मेंबर ने बहुत सारा इसमें क्रिटिसिज्म किया, जो हमारी गवर्नमेंट है, अपोजिशन ने कहा कोई भी बिल ऑर्डिनरी बिल होता है तो गवर्नमेंट के द्वारा उसे क्या कर लिया जाता है, एज अ मनी बिल रूट के थ्रू पास करा दिया जाता है। अब हम देख लेते हैं मनी बिल रूट क्या होता है। देखो मनी बिल रूट ये ईजी प्रोसेस होती है। मनी बिल रूट में क्या होता है, कोई भी बिल है उस बिल के लिए आपको राज्यसभा में प्रस्तुत करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोकसभा में उसे प्रस्तुत कीजिए। लोकसभा में प्रस्तुत, देखो पहली बात क्या होता है, कोई भी बिल है इस बिल को स्पीकर के पास भेजा जाता है, और यही स्पीकर क्या करता है, डिसाइड करता है ये ऑर्डिनरी बिल है या मनी बिल है। तो अक्सर आप जानते हैं स्पीकर गवर्नमेंट के नुमाइंदे होते हैं, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो उनके द्वारा इजीली कह दिया जाता है ये मनी बिल है, और जब ये मनी बिल हो जाता है तो इसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। राज्यसभा की कोई कंसेंट की ज़रूरत नहीं है, राज्यसभा में इसे प्रस्तुत किया जाए ना किया जाए कोई मतलब नहीं होता है। उसके बाद लोकसभा में प्रेजेंट करने के बाद
लोकसभा में प्रेजेंट करने के बाद, वहां से पास कराने के बाद ये एक्ट बन जाता है। ये आपको यूं बता रहा हूं, ये आधार के केस में हुआ था। जब आधार को क्या किया गया था, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरह पास कराया गया था। इसमें अपोजिशन ने कहा था कि आधार को मैंडेटरी नहीं करना चाहिए इसके लिए, पीडीएस सर्विस के लिए। तो गवर्नमेंट ने कहा था कि हम आधार को मैंडेटरी कर रहे हैं क्योंकि इससे फाइनेंशियल लॉसेस बहुत होते हैं, लूप होल बहुत हैं। जब भी कोई बंदा पीडीएस शॉप पर जाएगा, मान लो ये राम है, राम पीडीएस शॉप पर गया, तो पीडीएस शॉप वाला क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन जो है फालतू में नहीं चढ़ा सकता, आपका आधार कार्ड लेगा, आधार कार्ड को देखेगा, फिर आयरिस स्कैन करेगा। आयरिस स्कैन करने के बाद आपको जो है गल्ला मिलेगा। गल्ला का मतलब धन या वो जो मतलब धान या गेहूं जो भी मिलता है वो आपको मिलेगा। तो इस तरह से लूप होल कम होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सब गुड इनिशिएटिव, मतलब आप फाइनेंशियल मैटर में आधार का एज अ मैंडेटरी यूज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिकॉग्नाइज किया और इसको एक्सेप्ट किया और लीगल करार दिया। मगर जहां पर आप सिम इशू करने की बात करते हैं, मान लो आप सिम लेने गए, ये राम है, राम ने कहा मुझे एक सिम चाहिए जियो कंपनी का, तो बंदे ने जो शॉप ओनर ने कहा कि आप आधार कार्ड दीजिए, तो बंदा आधार कार्ड अगर नहीं दे, यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड भी अगर दे देगा तो मानूंगा। अगर ये मना करता है कि आप आधार कार्ड ही दीजिए, तो आप इसके खिलाफ केस कर सकते हैं। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। तो इसी को लेकर कोई भी बिल जो है मनी बिल बता दिया जाता है, इस मनी बिल से रिलेटेड 7 जजेज की एक बेंच बनाई गई है। ये बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई है कि आप किसी भी बिल को आधार बिल पेश कब कर सकते हैं, उसमें क्या लेजिस्लेटिव प्रोसेस होगी, यही बात बताई गई। अब हम मनी बिल को देख लेते हैं। देखो मनी बिल जो डिफाइन किया गया है और गवर्न किया जाता है आर्टिकल 110 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 110 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए और सब क्लॉज जी में बताया गया है टैक्सेशन, गवर्नमेंट बोरोइंग, अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी क्या होता है, जब गवर्नमेंट को खर्चे की ज़रूरत होती है तो एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में। वो बिल इंट्रोड्यूस करने के बाद ही आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल सकते हैं, तो उसे अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी कहते हैं। तो इस तरह के बिल को मनी बिल कहा जाता है और इसके अलावा अदर चीज़ें हैं उसे मनी बिल नहीं किया जाता। देखो मनी बिल को केवल इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ती है लोकसभा में, ये राज्यसभा से ओरिजिनेट नहीं हो सकता, ठीक है। और एक्सक्लूजन ऑफ राज्यसभा, मतलब राज्यसभा की कंसेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्सक्लूसिव अथॉरिटी जो है लोकसभा है। फाइनल डिसीजन जो होता है, कोई भी ऑर्डिनरी बिल अगर पेश किया गया तो वो मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल है ये स्पीकर डिसाइड करता है। मगर इस मैटर में एक चीज़ जुडिशरी ने कही कि ये जो आप मनी बिल डिसाइड करते हैं ये आपका जुडिशियल रिव्यू होगा। मतलब हम रिव्यू कर सकते हैं कि आप कोई भी बिल मनी बिल डिसाइड कर रहे हैं ये मनी बिल है या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बताई गई। अगला आर्टिकल हमारा सोलर इक्लिप्स से रिलेटेड है। पहली चीज़ सोलर इक्लिप्स में आप याद रखना कि जब भी सोलर इक्लिप्स की बात करेगा तो मून हमेशा बीच में होगा, ये चीज़ हम भूल जाते हैं। यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी डालेगा क्वेश्चन कि सोलर इक्लिप्स के टाइम पर सूरज, पृथ्वी और चांद एक लाइन में होते हैं, सन, अर्थ और मून एक लाइन में। यहाँ गलत हो जाएगा, ये मून यहाँ पर होता है बीच में। तो आप जब भी सोलर इक्लिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे या फिर आप आंसर देंगे तो हमेशा याद रखिए कि सोलर इक्लिप्स के टाइम में, नाम है सोलर इक्लिप्स मगर मून की बात हो रही है, तो सोलर इक्लिप्स के टाइम पर क्या होगा, मून बीच में होगा। ये तीन तरह का सोलर इक्लिप्स होता है, एक टोटल सोलर इक्लिप्स होता है, एक एनुलर सोलर इक्लिप्स होता है, एक पार्शियल सोलर इक्लिप्स होता है। देखो सोलर, पहले सोलर इक्लिप्स देख लेते। देखो ये हमारा मून बीच में है, यहाँ से रेज आएंगी, रेज ये जो डार्क पोर्शन है इसे हम कहते हैं उम्ब्रा, फुल शैडो, ठीक है। जो लाइटर शैडो है ये वाली, ये कहलाती है पार्शियल शैडो, इसे कहते हैं पेनुम्ब्रा, ठीक है। और ये हमारी अर्थ है। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्ब्रा और पेनुम्ब्रा। आंट उम्ब्रा भी लिखा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर उम्ब्रा और पेनुम्ब्रा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ मैंने बता दी कि कैसे ब्लॉक किया जाता है मून के द्वारा सन की लाइट को, और वो सन की लाइट शेडो की फॉर्म में अर्थ पर जाती है, ठीक है। ये तीन तरह का सोलर इक्लिप्स होता है, एक पार्शियल सोलर इक्लिप्स होता है। देखो पार्शियल सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, मून जो है सन की थोड़े पोर्शन पर आ पाता है, इसको हम कहते हैं पार्शियल सोलर इक्लिप्स। एनुलर सोलर इक्लिप्स क्या होता है, मून और देखो सन, मून
और अर्थ एक दिशा में होते हैं। देखो मान लो ये की एक दिशा है, एनुलर सोलर इक्लिप्स का आप देख लो थोड़ा टफ है, ये मून है, ये सन है, ये सन है, ये मून है और ये अर्थ है, ये एक ही लाइन में है, एक ही लाइन का मतलब एक ही डायरेक्शन में है, ये इधर को ईस्टर्न डायरेक्शन हम कह देते हैं, मगर एक लाइन में नहीं है, तो ये अभी एनुलर सोलर इक्लिप्स नहीं हुआ, ये पार्शियल सोलर इक्लिप्स हुआ। अब एक लाइन में भी हो जाए, ये एक लाइन में भी हो गया, ये सन, ये मून और ये अर्थ, अब ये एक लाइन में भी है, तो एनुलर सोलर इक्लिप्स क्या होता है, एक डायरेक्शन में तो होते ही होते हैं मगर एक लाइन में भी होते हैं, इसे हम कहते हैं एनुलर सोलर इक्लिप्स। टोटल सोलर इक्लिप्स में क्या होता है कि आपको बहुत सन की बिहाइंड बहुत कम रेज दिखाई देगी, देखो दिख रही है बहुत कम, यहां पर थोड़ी ज्यादा दिख रही, बस इतना डिफरेंस है। तो टोटल सोलर इक्लिप्स, एनुलर सोलर इक्लिप्स और पार्शियल सोलर इक्लिप्स में जाना, और जो बैंड रिलीज होती है इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, यही रिंग ऑफ फायर हमें दिखती है, ठीक है। अगला आर्टिकल रिलेटेड है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसलिए है क्योंकि ये हमारे नेबरहुड की बात करता है। रिसेंटली क्या डेवलपमेंट हुआ है, श्रीलंका और बांग्लादेश जो है इसमें मतलब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। देखो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में क्या है, देखो 10 एशियान नेशन है, देखो 10 एशिया के नेशन है इसमें, आसियान के, आसियान क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान के 10 नेशन है जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनी, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कम्बोडिया, ये 10 नेशन जो है आसियान के हैं। इसके अलावा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड एंड साउथ कोरिया, मतलब आप यहाँ पर देख लो, देखो ये हो गया चाइना, ये हो गया जापान, ये हो गया साउथ कोरिया, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया न्यूजीलैंड, मगर इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। इंडिया ने पार्टिसिपेट करने से मना किया है ड्यू टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, हमारा एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर है वो हमारा मेन क्रॉप है, मतलब सॉरी मेन हमारा सेक्टर है, और अगर एग्रीकल्चर को किसी तरह का लॉस होता है, मतलब इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के दाम घट जाएंगे, और जब दाम घट जाएंगे तो हमारे फार्मर्स की इनकम को बहुत ज़्यादा लॉस पहुँचेगा, क्योंकि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, आप कोई भी कोटा नहीं लगा सकते, आप कोई भी उस पर बार नहीं लगा सकते, तो उस केस में क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से हमारे यहाँ पर अलाइड प्रोडक्ट बहुत आएंगे। अलाइड प्रोडक्ट क्या होते हैं, जैसे काउ मिल्क बहुत आएगा, बटर बहुत आएगा, मीट बहुत आएगा, तो इससे हमारे एग्रीकल्चर को बहुत लॉस होगा, इसी लिए इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है, ठीक है। पहली चीज़ ये हो गई, दूसरी चीज़ हमने जान ली कौन कौन मेंबर हैं, तीसरी चीज़ जान लीजिए जो ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप है ये बहुत सिग्निफिकेंट है। क्यों सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये 30% ग्लोबल जीडीपी कवर करती है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है, प्लीज़ आप इसको एक जगह लिख लेना, 30% ग्लोबल जीडीपी कवर करती है, 1/3 ऑफ वर्ल्ड की पॉपुलेशन है इसमें, 2.2 बिलियन, और 90% ट्रेड टैरिफ विद इन द ब्लॉक विल इवेंचुअली एलिमिनेट, मतलब आप अगर कोई प्रोडक्ट भेजते हैं तो उसमें 90% तक ट्रेड टैरिफ घट जाएगा। यहाँ 100% क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि कुछ कंट्री कुछ प्रोजेक्ट में मार्जिनलिटी चाहती हैं, वो चाहती हैं कि हम उसमें टैरिफ लगाएं ताकि हम अपने यहाँ के जो डोमेस्टिक लोग हैं उनको कंजर्व कर सकें, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उनको कंजर्व कर सकें। तो हमने देख लिया कि इंडिया इसमें क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, कौन कौन इसके मेंबर नेशन है, आसियान में कौन कौन है और नॉन आसियान कौन कौन से हैं। अगला आर्टिकल हमारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से रिलेटेड है। देखो क्या किया गया, 69th एडिशन हुआ नेशनल फिल्म अवार्ड का, ठीक है। इस 69th एडिशन में दादा साहेब प्रेस्टीजियस अवार्ड जो है वेटरन एक्टर वहीदा रहमान को मिला। देखो अब एक्ट्रेस नहीं कहा जाता है, जो भी एक्टिंग करता है चाहे विमेन हो मैन हो, एक कॉमन वर्ड है एक्टर, तो वहीदा रहमान को मिला। वहीदा रहमान जी का जो कंट्रीब्यूशन है, लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन जो इन्होंने सिनेमा में किया है, उसको
उससे रिलेटेड ये अवार्ड मिला। तो ठीक है, ये एनुअली 1954 में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके बाद इसको टुक ओवर कर लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल ने। ठीक है, 1973 से उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। नेशनल सिलेक्शन कमेटी जो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की जाती है, उसके द्वारा ये दिया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ये याद रखना, क्योंकि कभी कभी यहाँ प्राइम मिनिस्टर डाल देता है कि जो अवार्ड है, नेशनल अवार्ड जो दिए जाते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिए जाते हैं, ये गलत हो जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और इसमें देखो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इंडियन फिल्म को दिया ही जाता है मगर बेस्ट फिल्म फ्रॉम अदर कंट्री को भी दिया जाता है। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कब इंट्रोड्यूस किया गया था ये तो आपको याद ही हो जाएगा। अब 69th नेशनल अवार्ड किस किस को दिया गया? आलू अर्जुन को दिया गया उनकी फिल्म पुष्पा के लिए बेस्ट एक्टर का। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है आलिया भट्ट और कीर्ति सेनन को दिया गया, गंगूबाई के लिए और मिमी के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने आर्टिकल डिस्कस किए। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।